मैंने सोचा मौसम अच्छा है तो बाहर जाके आते हैं एंड मस्त आ गए मंदिर भोलेनाथ जी के दर्शन के लिए। तो अभी का सीन चेक करो गाइस, मम्मी ने सब्जी काटने कूटने बैठा दिया है हमको। आज है गाइस हमारा गांव में लास्ट डे। सो गाइस गुड मॉर्निंग, अभी मैं उठा था जस्ट, वैसे उठने का मन तो नहीं था बट मौसम ने उठा दिया गाइस। इतना भयंकर पवन आ रहा ना गाइस, आंधी तूफान और मौसम देख रहे हो गाइस, ये चेक करें गाइस, इतना भयंकर मौसम हो रखा है ना गाइस, काले काले बादल एंड आंधी गाइस। तो बारिश भी शुरू हो गई है भाई, बाहर तो भयंकर वाली बारिश स्टार्ट हो गई है एंड लाइट भी चली गई हमारे घर में, तो खतरनाक बारिश हो रही है, ये चेक करो। तो अभी तो गाइस मैं बना रहा था मस्त गर्म पानी अपने लिए रोज की तरह, अभी फाइनली तैयार है हमारा गर्म पानी। एंड गाइस मैं तो सो रहा था मस्त ऊपर छत पर एंड अचानक ही गाइस आधी तूफान शुरू हो गया, तो मैंने कहा ये क्या हुआ, फटाफट फटाफट उठ गया गाइस एंड उठ के देखा तो काले काले बादल हो रखे थे एंड भयंकर मौसम हो रखा था ऐसा। तो गाइस पहले मस्त नहा लेता हूँ अभी एंड फिर फ्रेश होके मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में गाइस। सो गाइस फाइनली मैं नहाकर मस्त हो गया रेडी एकदम फुल पावर एंड गाइस अभी का मौसम ये चेक करो गाइस, पूरे बादल बादल हट गए काले काले एंड मस्त मौसम हो गया, धूप धूप आ गई है फाइनली एंड हम लोग अभी जा रहे हैं गाइज एक मंदिर भोलेनाथ के। तो चलते हैं गाइज, हमारी डिस्कवर भी हमने बाहर रख दिए और मस्त साफ सुफ कर दिया, तो चलते हैं गाइज लेट्स गो। गाइज फाइनली हम लोग पहुंच गए मंदिर भोलेनाथ जी के एंड यहां पर गाइज अलग अलग मंदिर है, तो जाके आते हैं पहले उस वाले मंदिर पे एंड फिर जाते थे पीछे मंदिर वहाँ पे। इधर गाइस ये छोटा सा तालाब है मस्त एकदम, सो यहाँ के गाइस इतना सुकून मिलता है, मज़ा आता है, मतलब यहाँ इतनी मस्त हरियाली है ना, एकदम चारों तरफ हरियाली हरियाली, ये देख रहे हो गाइस ग्रीन ग्रीन। बारिश के बाद एकदम मस्त मौसम हो गया गाइस, एकदम ग्रीन ग्रीन सब कुछ लग रहा है एंड कल ना इतनी गर्मी पड़ रही थी ना गाइस, बहुत गर्मी पड़ रही थी, तो आज फाइनली बारिश हो गई तो मस्त वातावरण हो गया अभी एंड हम लोग जा रहे हैं अभी मस्त दर्शन करने भोलेनाथ जी के। मैंने सोचा मौसम अच्छा है तो बाहर जाके आते हैं एंड मस्त आ गए मंदिर भोलेनाथ जी के दर्शन के लिए। गाइज मस्त दर्शन हो गए हमारे भोलेनाथ जी के एंड अब चलते गाइज दूसरे वाले मंदिर पर, आगे एक है वहाँ पे। गाइज ये देख रहे हो गाइज, ये मेरे बचपन की स्कूल है, यहीं पे पढ़ा करता था, यहीं पे मैंने पढ़ाई किया गाइज बचपन में, मेरी स्कूल भाई, क्या मज़े आते थे उस टाइम स्कूल में गाइज, मस्ती और फ्रेंड वगैरह गाइज, बहुत मज़ा आता था, गोल्डन टाइम था स्कूल का उस समय तो। हाँ गाइज सबसे गोल्डन टाइम स्कूल का टाइम होता है गाइज ज़िंदगी में और बचपन का टाइम। हाँ तो चलते हैं गाइज अभी फ़िलहाल आगे वाले मंदिर पे एंड मस्त मस्त मौसम हो रखा है, तो मौसम का लाभ उठाते हम लोग जा रहे हैं आगे। मस्त हवा चल रही है, ठंडक ठंडक लग रही है एकदम गाइस मस्त।
हेलो डॉगी, हेलो हेलो, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। यहाँ पर भी पुराने समय की ये मूर्तियाँ रखी हुई है, पहले के समय की गाइस, पहले के टाइम की सब मूर्तियाँ यहाँ पे भी, कुछ यहाँ पर और कुछ यहाँ पर गाइस, मस्त एकदम। मुझे ऐसी सब चीज़ें गाइस देखना मस्त लगता है, एकदम अच्छा लगता है मतलब, तो आपको भी दिखाता हूँ मैं। पुराने समय की मूर्तियाँ ना गाइस कुछ ना कुछ कहने की कोशिश करती है हमें, मतलब पहले क्या हुआ था, क्या नहीं क्या था, वो सब चीज़ें गाइस, तो वो होती है मूर्तियाँ पहले के टाइम की। चलते गाइस ये भैरव दादा मंदिर। एंड गाइस यहाँ पे एक नीचे मंदिर है, तो नीचे भी जाके आता है गाइस। गाइस यहाँ पर भी मस्त दर्शन हो गए, एंड ये चेक करो गाइस, बंदर आ चुका है मस्त, एंड सब बच्चे भी खेल रहे हैं गाइस मस्त, तो हम लोग भी बैठते गाइस यहाँ पे मस्त एकदम थोड़ी देर। फाइनली मस्त अच्छे से दर्शन हो गए हमारे महादेव जी के। एंड गाइस चलते अभी बाहर, और कुछ दो तीन काम है वो खत्म करके फिर चलते हैं गाइस घर हम। लेट्स गो। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए थे घर, अभी सारा काम वाम खत्म करके। एंड मम्मी क्या लाई, मम्मी ये क्या लाए, भाजी। अच्छा भाजी का साग बनेगा, भाजी की सब्जी बनेगी आज भाई, आम वाम गाइस। एंड दादा और दादी क्या करे, दादा अखबार ही पढ़ रहे होंगे फॉर श्योर। अच्छा ये चेक कर गाइस, अखबार पढ़ रहे दादा मस्त। एंड दादी 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 को देखो, दादी खाना बना रहे, दादी खाना बना रहे फिलहाल मस्त। गाइज आज मौसम थोड़ा बढ़िया लग रहा है, कल जितनी गर्मी गर्मी नहीं लग रही गाइज, आज थोड़ी ठंडक हो रही है मस्त एकदम। सभी का सीन चेक करो गाइज, मम्मी ने सब्जी काटने कूटने बैठा दिया है हमको गाइज। मम्मी कह रही थी कि ये ब्लॉग में क्यों नहीं लेता, ये लेता हुआ तो मैंने दिखा दिया कि सब्जी गाइज हेल्प करनी चाहिए गाइज, मम्मी की हेल्प करनी चाहिए। मुझे तो वैसे कोई शर्म नहीं है, बट मम्मी कह रही थी इसलिए मैंने दिखा दिया मस्त, करनी चाहिए गाइस। तो गाइस थोड़ी देर में, अभी बहुत काम है यार, ये सब काटने कूटना है यार, ये सब इतना सारा तो काट दिया, मम्मी तो लगी पड़ी फोन में, इतना सारा सब काट दिया यार, अभी ये सब बाकी है, ये और ये काट दिए गाइस, इतनी सारी भाजी हमने काट कूट दी है, ये चक्कर है भाई साहब, कौन खाएगा इतनी सारी, मम्मी इतनी सारी भाजी कौन खाएगा। आज बनाया हमने तांदेजे की भाजी की सब्जी, एंड ये अचार है गाइस, चना मेथी का अचार, रस रोटी गाइस, तो खा लेता गाइस फटाफट, एंड फिर एडिटिंग भी करना है दोपहर को, तो मिलता हूँ गाइस सीधा शाम को ही आपसे। ओके सो गाइस फाइनली आज का ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के टाइम पे, एंड थोड़ी देर पहले मैं जस्ट सो के उठा था बिकॉज दोपहर को थोड़ा सो गया था एंड एडिटिंग वगैरह किया, तो हाँ गाइस वैसे दाढ़ी मेरी काफ़ी बढ़ गई है, निकालनी पड़ेगी, आई नो बहुत गंदी लग रही है, बट निकाल लेंगे दो तीन दिन में। एंड आज है गाइज हमारा गांव में लास्ट डे, मेरा गांव में मतलब लास्ट डे है आज, मैं कल जाने वाला हूँ शहर वापस बिकॉज थोड़ा बहुत काम आ गया, तो जाना है कल गाइज वापस शहर, तो ऐसे काफ़ी मिस करूँगा गांव को, एंड गांव के सनसेट को भी, एंड गांव के लोगों को भी गाइज।
तो गाइज अभी तो मस्त एंजॉय कर रहा हूँ यहाँ आसपास के नेचर को एंड बर्ड की आवाज़ को। गाइज क्या मस्त आ रही है बर्ड की आवाज़, ये कल से तो गाइज कुछ सुनाई नहीं देने वाला बिकॉज शहर में ये सब कहाँ गाइज। हाँ तो फाइनली आज लास्ट डे एंड बीच में आऊँगा वैसे एक वीक बाद आऊँगा, मुझे यहाँ पे भी काम है थोड़ा। तो गाइज आज के ब्लॉग के लिए इतना ही एंड इस वाले ब्लॉग को अभी यहीं पे करते हैं एंड आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। गाइज पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना आपने नहीं की, आप नए हैं तो। फाइनली गाइज एंड मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में यार। थैंक यू, स्टे सेफ एंड बाय बाय।